Hello children, welcome to online class. Now today we are going to learn class 6 subject SST history. Chapter 5, what books and barriers tell us. What books and barriers tell us. What means kya? Books means kitabe, or means and means or, barriers means kabre. Barriers means kabre, tell us means कहती है. द मीनिंग ऑफ दिस लेसन इज किताबें और कब्रें हमसे क्या कहती है. चिल्ड्रन वी डिवाइडेड दिस लेसन इनटू टू पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट बुक्स. इन फर्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट बुक्स स्पेशली वेदास. बुक्स स्पेशली वेदास. एज वी नो देयर आर फोर वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा. इन दिस लेसन वी विल स्पेशली लर्न अबाउट द ऋग्वेदा विच इज द ओल्डेस्ट वेदा. इन इस लेसन में हम स्पेशली पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में, जो क्या है सबसे ज्यादा और सबसे पुराना प्राचीन क्या है, वेद है. इन द सेकेंड वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बरियल्स. बरियल्स मीन्स कब्रें. सेकेंड पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज बरियल्स, व्हाट आर बरियल्स, बरियल्स क्या है, इसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे. एंड इन द सेकेंड वीडियो वी ऑलरेडी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. लोगों को अलग अलग कैसे उनको अलग अलग कैसे क्लासिफाइड किया जाता था, कि उनके वर्क के बेस पे, उनके लैंग्वेज के बेस पे कैसे लोगों के ग्रुप बनाए जाते थे. सेकेंड टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. मेगालिथ्स एक स्टोन होता था जिसका यूज करते थे बरियल्स बनाने के लिए. सो इन सेकेंड पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेगालिथ्स एंड अ स्पेशल बरियल एट इनामगांव. और सेकेंड वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे स्पेशल बरियल, एक बहुत ही जो मेन बरियल है, बरियल मीन्स कब्र है, कहाँ पे, इनामगांव में, जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे मिली थी, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे. सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट द लेसन फ्रॉम द बुक. सो चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. What books and burials tell us. Books means किताबें and burials means कब्रें. कब्रें वहाँ पे होती थी जहाँ पे क्या किया जाता था, लोगों को मरने के बाद दफना दिया जाता था और फिर उनकी वहाँ पे क्या बना दी जाती थी, कब्रें बना दी जाती थी. तो what books and burials tells us means किताबें और कब्रें हमसे क्या कहती हैं. So all of you will listen carefully and try to understand about this lesson. So first topic is one of the oldest books in the world means पूरे संसार की सबसे जो प्राचीन बुक है उसके बारे में. यू मे हैव हियर अबाउट द वेदास, देयर आर फोर ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. हमने वेदास के बारे में सुना है, जिनमें से जो फोर हैं वो मेन होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा. सबसे प्राचीन जो वेदा है वो है ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जिससे आज से लगभग 3500 साल पहले कंपोज मीन्स बनाया गया. द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स. ऋग्वेदा में क्या है, 1000 मीन्स हजार से भी ज़्यादा, हिम्स मतलब होते हैं श्लोक, लिखे गए हैं किसमें, ऋग्वेदा में, कॉल्ड शुक्ता और वेलसेड, जिनको कहा जाता है शुक्ता और वेलसेड. दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. हिम्स मीन्स होते हैं श्लोक. ये जो हिम्स हैं, ये श्लोक हैं, ये लिखे गए हैं प्रेज मीन्स प्रशंसा में, वेरियस मीन्स डिफरेंट, गॉड्स मीन्स देवताओं एंड गॉडेसेस मीन्स देवियों के बारे में. थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट. इसमें जो है तीन जो देवता हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अग्नि द गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता जो आग के देवता माने जाते हैं. इंद्रा अ वॉरियर गॉड, इंद्रा जो एक योद्धा माने जाते हैं, एक वॉरियर गॉड माने जाते हैं. एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर. एक है सोमा, ठीक है, ये भी एक देवता माना जाता है, एक टाइप का ही प्लांट होता है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक क्या की जाती है, तैयार की जाती है. These hymns were composed by sages, rishis. ये जो hymns हैं, श्लोक हैं, ये composed किए गए हैं ऋषियों के द्वारा, sages में ऋषियों के द्वारा. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence. इसमें क्या होता था, जो priests होते थे, पुजारी होते थे, वो taught students, जो विद्यार्थी है उनको recite में याद कराते थे, memorize कराते थे each syllable, हर syllable को, word को और sentence को bit by bit, एक एक करके, with great care. पूरी सावधानी के साथ. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कम्पोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कम्पोज टॉट एंड लर्नड बाय
बाय मैन, जो सारे जो हिम्स बनाए गए थे, श्लोक बनाए गए, वो लोगों के द्वारा क्या कर लिए जाते थे, जो मैन होते थे, पुरुष जो लोग होते हैं उनके द्वारा लर्न कर लिए जाते थे। अ फ्यू आर कंपोज्ड बाय, और जो उसमें से अधिकतर थे वो बनाए गए थे मेल पर्सन के द्वारा। अ फ्यू आर कंपोज्ड बाय वुमेन, कुछ ही ऐसे थे जिन्हें वुमेन औरतों ने क्या किया था, कंपोज्ड किया था, बनाया था। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेदा है उसको लिखा गया था ओल्ड और वैदिक संस्कृत में। लैंग्वेज है संस्कृत, एक लैंग्वेज है वैदिक संस्कृत, उसमें इसको लिखा गया था। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, ये जो वैदिक संस्कृत होती थी, ओल्ड जो संस्कृत होती थी, ये डिफरेंट होती थी उस इस संस्कृत से जिसको हम आज के दिन में स्कूल में पढ़ते हैं। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, वो किताबें जिनको हम आज यूज़ करते हैं वो लिखी जाती हैं, उसके बाद क्या की जाती है, प्रिंट की जाती हैं, प्रिंटेड की जाती हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर रेदर देन रीड, लेकिन जो ऋग्वेदा है उसको रिसाइटेड याद किया जाता था, सुन के उसको याद किया जाता था, रेदर देन रीड मीन्स उसको पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि सुन के जो प्रिस्ट लोग होते थे, पुजारी जो लोग होते वो उसको पढ़ते थे और लोग उसको क्या कर लेते थे, मेमोराइज कर लेते थे, रिसाइटेड कर लेते थे। इट वॉज रिटर्न डाउन सेवरल कंट्रीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कम्पोज, जब ये पहली बार कंपोज्ड हुई तो इसके बाद बहुत सारी कंट्रियों में इसको फिर लिखा गया। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो, और इसके बाद ये 200 साल पहले क्या की गई, प्रिंटेड की गई। कौन सी बुक, ऋग्वेदा, जो हमारा एक वेद है। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, ऋग्वेदा में बहुत सारी प्रेयर्स है, प्रार्थनाएं हैं जो की गई है कैटल, कैटल मीन्स पशुओं के लिए, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, स्पेशली सन्स, स्पेशली मीन्स सन्स मतलब पुत्रों के लिए, एंड हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, हॉर्सेस का यूज किया जाता था, चैरियट्स मतलब रथ, चैरियट्स मतलब रथ को चलाने के लिए जिन रथों का यूज किया जाता था, बैटल्स, बैटल्स मतलब युद्ध के लिए। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, और जो बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे, वो किए जाते थे कैटल, पशुओं को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, यानी लैंड, जमीन पे अधिकार करने के लिए भी बैटल किए जाते थे। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पॉस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली, और इन लैंड पे जब अधिकार कर लिया जाता था तो उसका यूज किया जाता था किसके लिए, पॉस्चर, पॉस्चर मीन्स चारागाह बनाया जाता था, जहाँ पे कैटल्स को, जो पशु होते थे उनको चराया जाता था। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और वहाँ पे क्रॉप्स मीन्स फसलों को ग्रो करने के लिए, दैट राइपन क्विकली, हार्ड ऐसी फसलें ग्रो की जाती थी जो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, पक जाती थी। सच एज बार्ली, जैसे बार्ली मतलब होता है आपका जौ। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, कुछ कुछ युद्ध ऐसे होते थे जो वाटर यानी पानी के लिए किया जाते हैं। एंड टू कैप्चर पीपल, और कभी कभी जो युद्ध होते थे वो कैप्चर मतलब लोगों को पकड़ने के लिए, और फिर उनके बाद उनको पकड़ के गुलाम बना दिया, मीन्स युद्ध किया जाता था। और युद्ध में जिन पीपल को या जिन कैटल को जो पकड़ता था, जो राजा पकड़ता था, वो उसके अंडर में हो जाते थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑप्टेन्ड वॉज कैप्ट बाय द लीडर्स, फिर उसके बाद क्या होता था, जब बैटल्स होते थे तो उसमें जो वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन जो मिलता था, उसको रखा जाता था लीडर्स, जो लीडर होता था, जो आर्मी का जो लीडर्स होता है या जो उस बैटल का जो लीडर होता था, उसके द्वारा उस धन को रख दिया जाता था। सम वॉज गिवन टू द प्रिस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल, कुछ प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स पुजारियों को दे दिया जाता था, और जो रेस्ट बच जाता था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अमंगस्ट द पीपल, लोगों के बीच में। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइसेस, कुछ धन रख दिया जाता था, कौन सा धन, जिसको बैटल में जीता जाता था, उस धन को कुछ तो क्या करते थे, जो लीडर होता था वो रख लेता था, उसके बाद कुछ दे दिया जाता था प्रिस्ट को, पुजारी लोगों को दे जाता था, जो धन और बच जाता था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था लोगों के बीच में, जरूरतमंद लोगों को दे दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर, और कुछ जो धन था उसका यूज किया जाता है, परफॉर्म्स मीन्स जो यज्ञ होते थे और सेक्रीफाइसेस मतलब यज्ञ जो किए जाते थे उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ धन उसके लिए रख दिया, कुछ पार्ट, कुछ उसके लिए रख दिया जाता था। इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू द फायर, जिसमें क्या किया जाता था, आग जलाई जाती थी और उस यज्ञ किया जाता था, और उसमें क्या किया जाता था, उसमें वो आहुतियाँ डाली जाती थी, मतलब उसमें वो थिंग्स डाली जाती थी। दीज वर मीट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो किया जाता था ऑफर किसको किया जाता था, यज्ञ के द्वारा वो सारी सामग्री किसको ऑफर की जाती थी, देवी और देवताओं को ऑफर की जाती थी। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, और उस ऑफरिंग्स, उस यज्ञ कुंड में क्या क्या डाला जाता था, घी, घी, ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज,
एंड इन सम केसेस एनिमल्स, और कभी कभी क्या किया जाता था, वो जो यज्ञ की जो आहुतियाँ, यज्ञ कुंड जो होता था, जो सेक्रीफाइसेस होते थे, यजनास होते थे, उनमें कभी कभी क्या डाल दिए जाते थे, यानी कि इतना बड़ा यज्ञ किया जाता था, अनुष्ठान किया जाता था कि कभी कभी उस यज्ञ कुंड में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या डाल दिया जाता था, एनिमल्स को भी, पशुओं को भी डाल दिया जाता था। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, बहुत से लोग जब ये युद्ध होते थे, बैटल्स होते थे, इनमें अधिकतर लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, मीन्स उनकी कोई एक रेगुलर आर्मी, आर्मी में सेना नहीं होती थी, ठीक है ना, लाइक आज की तरह उनकी कोई एक रेगुलर आर्मी नहीं, पर्टिकुलर कोई आर्मी नहीं होती थी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस। उस टाइम पे असेंबलीज की जाती थी, सभाएं बुला जाती थी, वहाँ पे लोग मिलते थे एंड डिस्कस करते थे किस मैटर पे, वार होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, या शांति से, पीस मीन्स शांति ही रखी जाए, मीन्स अगर जरूरी होता था तो वार किया जाता था, और अगर वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती थी कन्वर्सेशन के द्वारा या शांति से वो बात सॉल्व हो जाती थी, तो फिर युद्ध नहीं किया जाता थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, फिर उस असेंबली में क्या किया जाता था, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, वो अपना व्यू बताते थे कि हाँ हमें इस वॉर में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद उनमें से किसी को क्या किया जाता था, लीडर, लीडर में सेनानायक क्या किया जाता था, चूज किया जाता था। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो क्या होना चाहिए था, एक ब्रेव, बहादुर और स्किलफुल वॉरियर्स, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, एक बहादुर और स्किलफुल, चतुर या कौशलों से भरा हुआ क्या होना चाहिए था, योद्धा होना चाहिए था। तो जो ऐसा पर्सन उन्हें मिलता था उसको क्या किया जाता था, आर्मी का लीडर्स क्या किया कर लिया जाता था, चूज कर लिया जाता था। सो चिल्ड्रन, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेगालिथ्स, बरियल्स, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। थैंक यू।